नगरपालिका परिषद कार्यालय में एसडीएम आदेश की आख्या कापी लेने गए एसडीपीआई कार्यकर्ताओं व नगरपालिका कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका अध्यक्ष व कर्मचारियों पर हथियारबंद लोगों से हमला कराने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल जनपद शामली के कैराना नगरपालिका परिषद के दफ्तर में एसडीएम आदेश की आख्या कापी लेने गए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीआई के कार्यकर्ताओं एवं नगरपालिका कर्मचारियों में गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में एसडीपीआई के 4 कार्यकर्ताओं की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका अध्यक्ष एवं नगरपालिका कर्मचारियों पर हथियारबंद लोगों से हमला कराने का आरोप लगाया है। वहीं नगरपालिका कर्मचारी ने भी दूसरे पक्ष के लोगों पर दफ्तर में तोड़फोड़ व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ कैराना कोतवाली पर तहरीर दी गई है। दरअसल कैराना के कैराना कांदा मार्ग पर स्थित गौर गरीबा कब्रिस्तान की भूमि पर कैराना नगर पालिका द्वारा ट्यूबवेल के लिए बोरिंग कराया गया है। उक्त कब्रिस्तान का ज्यादातर हिस्सा मोहल्ला रेते वाले में आता है। नगर पालिका द्वारा कराए गए बोरिंग का मोहल्ले वासियों ने पूर्व में भी विरोध किया था। कस्बे के मोहल्ला दरबार खुद निवासी एवं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की कार्यकर्ता इसरार खान पुत्र इरशाद खान ने कैराना नगर पालिका द्वारा गौर गरीबा कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए शामली जिला अधिकारी को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कैराना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा शामली जिलाधिकारी इंदर विक्रम सिंह को आख्या भेजी गई थी। उक्त आख्या की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी भेजी गई थी। आरोप है कि नगर पालिका द्वारा शिकायतकर्ता को भेजी गई आख्या की काफी अत्यंत छोटे अक्षरों में टाइप कर दी गई थी, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। गुरुवार दोपहर शिकायतकर्ता इसरार खान एसडीपीआई के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कैराना सुरजीत सिंह के पास पहुंचे और उन्हें प्रार्थना पत्र सौंपकर नगर पालिका से आख्या की स्पष्ट प्रति दिलाने की गुहार लगाई। एसडीएम कैराना ने शिकायतकर्ता इसरार खान के प्रार्थना पत्र पर नगर पालिका को आख्या प्रति पुनः उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद इसरार खान एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका के मोहल्ला बेगमपुरा स्थित दफ्तर में कापी लेने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर कर्मचारियों से कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में घायल एसडीपीआई के कार्यकर्ता अकबर निवासी दरबार कला, नौसाद निवासी मोहल्ला रेती वाला, हरुण निवासी गांव पावटी कला एवं शादाब निवासी मोहल्ला दरबार खुद कैराना को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि नगर पालिका के कर्मचारी इनाम व मोहसिन को भी मारपीट में चोटिल होना बताया गया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। पहले से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो किराने में एक कब्रिस्तान के ऊपर नाहक कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ कुछ प्रदर्शन और कुछ एसडीएम साहब को दिया था कि कब्जा हटाया जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ हम किए हैं। तो उसमें आज क्या हुआ, जो इधर से हमने एसडीएम साहब से कुछ मिला था, यानी जिसमें के तहरीर दी थी हमने उसका कुछ वो मिला तो साफ नहीं लिखा हुआ था नगर पालिका की तरफ से, तो एसडीएम साहब ने आज ऑर्डर करे कि इन्हें दोबारा से फिर निकलवा के ले आओ, साफ लिखित रूप में आ जाओ, क्योंकि हम डीएम साहब से मुलाकात की थी इस बारे में। तो उधर हमारे जब कुछ कार्यकर्ता उधर गए तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और कहा कि हम सिखाओगे तुम्हें यहाँ पे किराने में रहना और हम दिखाओगे आपको क्या है कार्रवाई, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अटैक किसने किया? इसमें डायरेक्टली उधर हाजनवर साहब थे और उनके साथ बहुत सारे और भी कुछ लोग थे, बहुत सारे लोगों ने बुलाया, दानिश है, तोसीफ है, और उन्हें बाहर का जो गेट था मेन गेट वो बंद करके फिर हमारे लड़कों को उधर जो है पीटा गया और बंदूक की बट से पीटा गया। जिनको पीटा गया उनके नाम क्या है? उनके नाम हारून भाई हैं हमारे, हमारे सरार भाई हैं, अकबर भाई हैं हमारे, और नौशाद भाई हैं, शादाब है, यानी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता 4-5-7 लोग उधर थे और अभी उनको बहुत सारी गंभीर चोट आई हैं। अभी हम प्रशासन से मुलाकात करेंगे कि तहरीर दे दी आपने? हाँ, तहरीर देने के लिए हम अभी इसमें आए हैं, मुलाकात करते हैं कोतवाल साहब से कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है और ये जो हमारे साथ नाइंसाफी किस वजह से हुई है, आम लोगों की वजह से हुई है, ये सामाजिक कार्य काम करने के लिए हम लोगों के ऊपर ये अटैक किया गया है, अगर हम जो है कानूनी कार्रवाई हम इसमें, अगर आपकी कोई कार्रवाई ना हुई तो अगला कदम क्या होगा आपका, उसके बारे में हम प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, जो भी करेंगे वो दूर तक हम इसको लेकर जाएंगे, बात नहीं है। क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई, ये जो हमला किया गया है, ये आम लोगों के ऊपर किया गया है, जिस जुर्म के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं और हम जुर्म के खिलाफ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे।